राय अहमद खां खरड़ की जात किसी तारफ की मोहताज नहीं, क्यों जो साहिवाल विच होवन वाली यह सारी तहरीक उनके इर्द गिर्द भी घूमती है। राठ राय अहमद खां खरड़ 1776 विच बाजे के खरलों के एक सरदार राय नत्थू खां के घर झामरे में जमया। एक घराना मुढ़ू पेरे खरड़ के नाम नाल मशहूर आ, ते हुण इह खरड़ बाजे के ते जगदे के खरलां दे नां नाल साध पुछिंदे ने। राय अहमद खां दा साहिवाल ते उहदे आले दुआले दे सारिआं ज़िलिआं विच बड़ा सारा इह खानदान गुज़रिआं वेलिआं विच हर हकूमत नाल मत्था लाई लगाउंदा दिसदा है। उह अपणे इलाके खुल्लिआं जूआं दा आप मालिक आ, उह बाहर दीआं रौणकां नूं घटदिआं नहीं वेख सकदा। इस इलाके दे सारे वसनीकां ते खानदानां ते राय अहमद खां दा बड़ा सारा, वह समाजी कामों में वध वध के हिस्सा लेता। वह अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़ोता, उनके आखण ते जंग ते साहिवाल दे लोकी एकजा ते इकट्ठे हो गए। अपनियां मुजाहदाना सरगर्मियां परों वह अंग्रेज़ों वास्ते अजाब बन गया। उस मुजाहदा नूं अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी तंजीम नाल इकट्ठा किया। जेकर इत्थों के कुछ लोग गद्दारी ना करते तो राय अहमद खां ते उनके साथियों बारे अंग्रेज़ सरकार नूं पैर जमावने औखे हो जाते। साहिवाल विच लड़ाई के वक् वक् मौजां ते अंग्रेज़ों नूं जिवें शिकस्त दित्ती गई वो उन्हां नूं नस्लां ताईं याद रस। राय अहमद खां की बहादुरी के किस्से लंदन ताईं पड़ गए। उन्हें इस तहरीक के दौरान अपनी बिरादरी नालों दूजियां लोकां घणा साथ दिता। 21 सितंबर 1857 नूं गशकोरियां दे कोल नूरे की डालते 82 साल की उम्र में बड़ी बहादुरी ते जवान मर्दी के मुजाहरे किए। उस दिहाड़े सवेर तो शामा तीन लड़िया, पर किसी दुश्मन नू नेड़े आवण की हिम्मत ना हुई। दिगेर वेले जदों नमाज पढ़दे होया उनका सिर सजदे विच गया तो उन्हें गोली मार के शहीद कर दिता गया। तो मुड़ उनका सिर ला के गुगेरे जेल के दरवाजे से नुमाइश कारण टांग दिता गया। यह सिर उनके वडकियां के कब्रस्तान मंगियाणा 110 साल ताई धड़ नालों वख दफन रहा। एक डोले में आख्या गया है, डक्कां याद करेंदियां एक वारी मुड़ भी आवें आ राह नत्थू दे अहमद खां।